हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्ट कॉइन रिव्यूज़। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जनरल डिस्कशन एंड अपडेट्स। आज की डेट 18 जून 2019, मंगल का दिन, और वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे माजरत करते हैं कि कल वीडियो नहीं बना सका, असल में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। कल की आपने फुल वीक समरी वीडियो देखी होगी मेरी, जो मैंने उर्दू में बनाई है। मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिले उस पर, कमेंट्स तो खैर नहीं मिले, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आए थे 3-4 आप लोगों की तरफ से कि काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी मज़ा आया देख के। मैंने 2 पार्ट्स में बनाई थी, तो उसी वीडियो के दौरान एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। एकदम से फ्लू हो गया था जिसकी वजह से बोला भी नहीं गया मुझसे, और वो वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों ख़त्म की, और उसके बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने बस कंप्यूटर बंद किया और मैं सो गया, और उसके बाद उठा तो ऑलरेडी डेट चेंज हो चुकी थी, तो वीडियो बनाने का उस वक्त फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा कि फिर अब अगले दिन ही बनाते हैं, क्योंकि जिस दिन की डेली समरी जनरल डिस्कशन एंड अपडेट्स करनी थी वो डेट चली गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। तो लेकिन क्या नाम है, फुल वीक समरी बनाई थी, वो भी उर्दू में थी, तो आप लोगों ने वो देख ली और आप लोगों को उसमें ही सारी अपडेट्स तकरीबन मिल गई होंगी। तो ये बनाने का फ़ायदा ही नहीं, मतलब एक तरह से फ़ायदा भी नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से हिम्मत भी नहीं हो रही थी बनाने की। तो अब आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा माहौल ठंडा है, वॉल्यूम्स भी कम है, इथेरियम भी आज गिरा हुआ है, एक ये भी रीज़न है, बिटकॉइन भी आज गिरा है, एक ये भी रीज़न है, एबॉट भी आज गिरा है, प्राइस भी आज गिरी, हर चीज़ आज डाउन है, ठीक है ना। एक रीज़न ये भी है कि इथेरियम और बिटकॉइन शायद करेक्शन मोड में है, इस वजह से आर्ब कॉइन भी थोड़ा सा नीचे आया है और वॉल्यूम्स भी थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि सब वेट कर रहे हैं ये क्रेडिट डेबिट कार्ड का लॉन्च का, जैसे ये लॉन्च होगा हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब आगे चलते हैं, क्या नाम है, एबॉट की तरफ, डेली इसका जो आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। एबॉट के अंदर आज प्रॉफिट कम है एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे पता था ये कम ही होगा क्योंकि इथेरियम गिरा हुआ है, और मैंने आपको बड़ी बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि जो आर्बिट्रेजिंग है उसका सारा जो दारोमदार होता है प्रॉफिट का, वो इसी पे डिपेंड करता है कि मार्केट की क्या पोजीशन है, क्योंकि आर्बिट्रेजिंग का मतलब ये होता है कि हमने 2 एक्सचेंजों में प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाना है। तो जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो प्राइस डिफरेंस होगा भी, तो डाउन साइड पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि एक जगह से कॉइन लोगे जब तक दूसरी पे पहुंचोगे तब तक वो रेट और नीचे चला गया होगा, तो इस वजह से इसमें प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जब मार्केट डाउन होती है तो प्रॉफिट बड़ा कम होता है। ये फिर भी हमें 0.51% मिला है, ये बहुत है, लेकिन जब मुझे उम्मीद है कि जब मार्केट अप होगी तो हमें इतना भी प्रॉफिट मिलेगा जो 0.73% है। तो बस हमें क्या नाम है, वेट करना है। मार्केट जब ग्रो करती है तो आपने नोट किया होगा कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और जब मार्केट डाउन होती है तो कम मिलता है, तो सेम आर्बिट्रेजिंग का फॉर्मूला ही यही है। 30 दिन का प्रॉफिट भी 18% से थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन नॉट बैड एट ऑल, 17.97% इज़ गुड, और मुझे उम्मीद है कि ये ओवरऑल बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इथेरियम और बिटकॉइन ने और ऊपर जाना है। बिटकॉइन का जो टारगेट नज़र आ रहा है वो तकरीबन $12,000 नज़र आ रहा है, और इथेरियम का टारगेट भी, फिर जाहिर है अगर बिटकॉइन 12,000 पे जाएगा तो इथेरियम भी तकरीबन $300 क्रॉस करेगा। तो फिर ये जब बिटकॉइन और इथेरियम ऊपर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इसमें आर्बिट्रेजिंग के अंदर। अब हम चलते हैं वॉल्ट की तरफ। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जुम्मे वाले दिन वॉल्ट 3 मिलियन को क्रॉस कर गया था, 30 लाख को क्रॉस कर गया था, लेकिन कल और परसों ये तकरीबन 29 लाख 90 हज़ार तक वापसी आ गया था, 2 लाख 99 हज़ार बोल दिया वो तो बिल्कुल ही। तो 10-15 हज़ार कॉइन्स कल कम हो गए थे वॉल्ट में से, शायद किसी ने विड्रॉ करवा लिए थे, उसको ज़रूरत होगी या सेल करने होंगे या एबॉट में लगाने होंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कल वो तकरीबन वापसी 3 मिलियन से नीचे आ गया था। अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा मुझे लगता है कि ये कभी 3 मिलियन से नीचे आ जाएगा, कभी 3 मिलियन से ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब इसके अंदर 20-25 हज़ार कॉइन्स इंक्रीज हो जाएंगे, अभी तो सिर्फ 2,294 है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा 3,000 निकाल लेता है तो ये फिर 3 मिलियन से नीचे चला जाएगा,
तो एक बार ये जब 20 25 50 हज़ार कॉइन्स ऊपर चले गए ना वॉल्ट में से, फिर ये तकरीबन 3 मिलियन से ऊपर ही ऊपर फ्लो करेगा। फिर तो कोई ऐसी नौबत आई कि कोई बड़ी इन्वेस्ट बड़ा अमाउंट इसमें से बाहर निकालेगा तो ही नीचे जाने के चांसेस होंगे, वरना ये 3 मिलियन से नीचे नहीं जाएगा। तो अभी तो फिलहाल 3 मिलियन से ऊपर वो कर रहा है, स्टेबल है। देखते हैं कि कल इसमें कितना इंक्रीज आता है। मेरा एस्टिमेट है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये तकरीबन 20-25 हज़ार इंक्रीज हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये 3 मिलियन से नीचे नहीं जाएगा। अब आगे चलते हैं ट्रेड प्रो की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रेड प्रो ने भी अपनी 1 लाख ट्रेड्स पूरी कर ली हैं, और ये मार्केट स्लो होने की वजह से ट्रेड प्रो के नंबर काउंट्स भी पिछले 2 दिन से कम है। कुछ 1500-1500 या 2000 ट्रेड्स हो रही हैं, वरना यूजुअली हम देखने को मिल रहा था कि 2500-2500 ट्रेड्स भी पर डे ट्रेड प्रो के अंदर हो रही थी। लेकिन ये पिछले 2 दिन की वजह से, मार्केट डाउन होने की वजह से, डाउन तो नहीं कहेंगे यार, अभी भी नॉट बैड एट ऑल। बिटकॉइन 9,000 पे है, इथेरियम $262 पे है, लेकिन मार्केट स्लो हुई है अगर पिछले 2 दिन को कंपेयर किया जाए रेगुलर से। तो उसकी वजह से शायद इसके ट्रेडिंग के अंदर कुछ कमी आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी वक्त के साथ, जैसे ही अभी कल परसों या बिटकॉइन ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि बिटकॉइन का एस्टिमेटेड टारगेट तो 12,000 है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो जाहिर है जब वो ऊपर जाएगा तो ट्रेड्स काउंट उसी स्पीड से बढ़ेगा और हमें ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। तो इथेरियम भी मुझे उम्मीद है कि 300-350 क्रॉस करेगा, और जैसे ही ये बिटकॉइन करेगा तो उसके साथ इथेरियम ने भी लाजमी बातें करना है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो क्या नाम है, काफ़ी टाइम है। बिटकॉइन तो मे बी अगर क्रॉस करने पे आया तो बिटकॉइन का कोई पता नहीं, इसी महीने के अंदर अंदर भी क्रॉस कर जाए, वरना जुलाई के अंदर डेफिनेटली बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, क्योंकि वो फेसबुक भी क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में आ रहा है, उसकी वजह से बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो अब आगे चलते हैं ऑक्शन की तरफ। ऑक्शंस का मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, बार बार बताने का वैसे फ़ायदा नहीं है। ऑक्शंस काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। मैं तो डेफिनेटली ये वाला बाय करता, 17.2 वाला, लेकिन मेरे पास स्पेयर में इथेरियम नहीं है। मेरे पास जो भी था मैंने सबके आर्प कॉइन ले ली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में तकरीबन 40,000 आर्प कॉइन्स हैं, अराउंड 40,000 हैं। तो मैंने तो भाई जो भी था अपनी सारी पोर्टफोलियो अपना पूरा आर्प में कन्वर्ट कर दिया। अभी मेरे पास दूसरा कोई कॉइन नहीं है, एक आध होंगे जो पड़े होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं है। अपना टोटल पोर्टफोलियो आर्प में रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू इस वक्त तो सिर्फ 10 इथेरियम या आई थिंक 12 इथेरियम के आसपास बनती है। मेरा टारगेट तो है कि 100 इथेरियम तक जाऊँ अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो आगे अल्लाह मालिक है किस तरह ये चलता है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल अच्छा है, चल रहा है सिस्टम, स्टेबल है। देखते हैं किस तरह ये आगे मैनेज होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जब डेबिट कार्ड का फाइनल लॉन्च होगा तो आर्प की प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगी और हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने इसके अंदर। तो अब लास्ट में हम स्टेटस पेज पे चलते हैं। ऑक्शंस का मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑक्शंस परचेज करने में, अगर आप एबॉट में लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑक्शन से परचेज करें। अगर आप मेरी तरह आर्प कॉइन होल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इथेरियम डिपॉजिट करके एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करें और एक्सचेंज से जाकर आर्प कॉइन परचेज कर लें। इससे 2 एडवांटेजेस होंगे। एक्सटर्नल एक्सचेंज से परचेज करने जाएंगे तो आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन इंटरनल एक्सचेंज पे आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल रहा है। एक्सटर्नल एक्सचेंज पे इस वक्त एक आर्प कॉइन 20 सेंट से भी ऊपर है और इंटरनल एक्सचेंज पे 12 सेंट है। तो इंटरनल एक्सचेंज पे परचेज करने का ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट है कि आपको उतनी कीमत में डबल, उतने ही पैसों में डबल आर्प कॉइन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप 1,000 आर्प कॉइन लेंगे एक्सटर्नल एक्सचेंज पे, तो उतने ही पैसों में आपको इंटरनल एक्सचेंज पे 1,800-1,900 के करीब आर्प कॉइन मिल जाएंगे। एक तो ये एडवांटेज है, दूसरा एडवांटेज ये है कि इंटरनल एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरनल एक्सचेंज पे भी रेट इंक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अगर इंटरनल एक्सचेंज से लेंगे तो आर्बिट्रेजिंग और कंपनी को भी फ़ायदा होगा थोड़ी बहुत फीस के अंदर। वही फीस अगर आप एक्सटर्नल एक्सचेंज वालों को, मतलब बाहर लेने में भी आप फीस देते हैं, वो एक्सटर्नल एक्सचेंजेस को मिलती है, जैसे कॉइन एक्सचेंज डॉट आईओ है, इथर फ्लेयर है, और एबीसीसी और ला टोकन वगैरह। लेकिन अगर आप इंटरनल एक्सचेंज को यूज़ करेंगे, इंटरनल एक्सचेंज से लेंगे, तो कंपनी को बेनिफिट होगा। तो जितना कंपनी को बेनिफिट होगा उतना कंपनी ग्रो करेगी। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आप चीज़ों का फैसला करें, और उम्मीद करता हूँ इसको आप फॉलो करेंगे और आप इंटरनल एक्सचेंज की प्राइस को भी एक्सटर्नल एक्सचेंज के बराबर करेंगे ताकि ये भी ऊपर जाए, खाली एक्सटर्नल एक्सचेंज ऊपर ना जाए। क्योंकि यूजुअली मैंने बड़ी बार देखा है कि जब पंप होता है तो एक्सटर्नल एक्सचेंज की प्राइस जल्दी ऊपर चली जाती है बनिस्बत इंटरनल एक्सचेंज के। पता नहीं क्यों लोग बाहर से परचेज करना पसंद करते हैं,
मुझे देख ले, मेरे पास बाहर एक आर्ब कॉइन भी नहीं है, जो है वो सब अंदर है और मैंने अंदर ही रखना है क्योंकि मैं कंपनी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने प्रॉफिट से पहले कंपनी का बेनिफिट देखता हूँ और उसके थ्रू मैं डिसीजन लेता हूँ। स्टेटस पेज सेम है जैसा कि कल था, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है। कार्ड का अभी मेंटेनेंस में है, विड्रॉवल मेंटेनेंस में है। कार्ड का तो मुझे उम्मीद है कि विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर ये फाइनलाइज हो जाएगा, और विड्रॉवल्स का जो इशू है वो भी इसी मंथ के अंदर अंदर फाइनलाइज हो जाएगा। वॉलेट टैब के अंदर कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है और वो ठीक हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तकरीबन सारी अपडेट्स दे दी हैं आप लोग को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।